हाय फ्रेंड्स, दिस इज सी अश्विनी सोगी। बेसिकली आप सबकी बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है, अगर आप प्रॉपर्टी नॉन रेजिडेंट से बाय कर रहे हैं तो टीडीएस कितना डिडक्ट करना है। हम इसको फोर कैटेगरी में बांटते हैं कि इफ वी आर बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट, इफ वी आर बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम रेजिडेंट, इफ वी आर एज अ नॉन रेजिडेंट बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम नॉन रेजिडेंट, वी आर नॉन रेजिडेंट बाइंग प्रॉपर्टी फ्रॉम रेजिडेंट। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर नॉन रेजिडेंट अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उस केस में हमें हायर टीडीएस डिडक्शन करना है और साथ में 10 नंबर अप्लाई करना है। तो हायर टीडीएस कितना होगा तो ये हमें कैलकुलेट करना होगा नॉन रेजिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रॉपर्टी का सेलर है, कि उसका कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म आ रहा है कि लॉन्ग टर्म आ रहा है। बेसिकली गवर्नमेंट की इंटेंशन ये है, इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया देन साइटस ऑफ टैक्स लायबल टू पे इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट भले ही आउटसाइड इंडिया बैठा है बट उसकी प्रॉपर्टी इंडिया में सेल हो रही है तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसकी इनकम पे फुल अमाउंट टैक्स बायर डिडक्ट कर ले। तो बायर को जो डिडक्ट करना है वो टैक्स रेट कितना होगा। अब क्योंकि सरचार्ज का रेट अलग अलग है तो अगर 50 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी परचेज की जा रही है तो उस केस में 20.80% का टीडीएस डिडक्ट करना है। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 22.88%, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 23.92, 2 करोड़ टू 5 करोड़ 26% एंड अबव 5 करोड़ इज 28.5%। तो दिस इज द टीडीएस रेट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्नड बाय नॉन रेजिडेंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड बाय बायर। दिस टीडीएस हैज टू बी पेड थ्रू द 10 नंबर। तो हमारे को 10 नंबर भी अप्लाई करना है और ये टीडीएस अगले महीने की 7 तारीख तक जमा हो जाना चाहिए। अब हम जो भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे टाइमली पे करेंगे, उसके लिए हमें क्वार्टर एंड होने पर टीडीएस का रिटर्न फाइल करना है। TDS का रिटर्न फाइल करने में हमें 15CB 15CA की सर्टिफिकेट नंबर देना होता है। तो अब आइए हम ये समझते हैं किस केस में 15CA की सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो अगर नॉन रेजिडेंट ने अपना लोअर रेट TDS डिडक्शन सर्टिफिकेट ले रखा है AO से तो उस केस में 15CA 15CB की आवश्यकता नहीं है। अगर नॉन रेजिडेंट ने कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है तो हमें 15CB की रिक्वायरमेंट होगी और भले ही बैंक हमें इंसिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि आप पेमेंट नॉन रेजिडेंट के इंडियन अकाउंट में कर रहे हैं या NRO अकाउंट में कर रहे हैं तो 15CB के लिए बैंक इंसिस्ट नहीं कर रहा, बट यू आर रिक्वायर्ड एज ए बायर फॉर गेट CA सर्टिफिकेट फॉर्म 15CB एंड इट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इट इन 15CA। सो आफ्टर फाइलिंग TDS रिटर्न issuing form 16A to non-resident, you can surrender your 10 number. So friends, if you are any query, you can mail us. Thank you.